नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में दुनिया का कोई भी भाषा हो, आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। बिना कोई एप्लीकेशन में जाए, बिना कोई एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट किए, डायरेक्ट जहाँ पे लिखा है वहीं से पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको ये ट्रिक। पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। आपको तो पता ही होगा, आप सोचते होंगे इससे कैसे होगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको तो गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर है गूगल ट्रांसलेट, जिसे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। जब आप पहली बार ओपन करेंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाएगा टैप टू ट्रांसलेट बोल के, उसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सेटिंग में जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे टैप टू ट्रांसलेट लिखा है, इसको आपको ऑन कर देना है। देखिए मेरे से ऑन है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अभी बैक कर दिए सेटिंग, बस इतना ही करना है। अभी चलते हैं हम ब्राउज़र में। मान लीजिए मुझे गूगल से कुछ सर्च करना है, मैं यहाँ पे सर्च करना। देखिए 4G वोल्टी के बारे में आ गया। देखिए यहाँ पे जो लिखा है, शायद होगा सबको समझ में ना आए, ज़रूरी नहीं है सबको सारी सेंटेंस समझ में आ जाए। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, इसे आपको टच एंड होल्ड करना है। होल्ड हो गया, जितना भी आपको ट्रांसलेट करना है सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जो तीन डॉट दिखाई दे रहा है, तीन डॉट जो है इसको आपको टच करना है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट यहाँ पे आ गया। ये अगर गूगल ट्रांसलेट आपका नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। अगर गूगल ट्रांसलेट है, आपने टैप टू ट्रांसलेट ऑन किया है, तभी ये आएगा। अभी इसको टच करते हैं, देखते हैं। देखिए ये सारा चीज़ आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। इसके लिए आपको कहीं पे कॉपी करके कोई दूसरे एप्लीकेशन पेस्ट करके फिर लाना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कॉपी करके कहीं पे जाके पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये जो है ब्राउज़र में, अब हम देखते हैं मैसेज में, ठीक है। मान लीजिए हम व्हाट्सएप खोलते हैं, किसी को भी एक मैसेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे टाइप करना है, हाओ हो गया। अब इसे मुझे जानना है इसका मतलब क्या है हिंदी में, तो इसे टच कीजिए। सेम प्रोसेस है ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पे बताया किस तरह, इस तरह आप सारे चीज़ को कहीं से भी, कोई भी स्क्रीन में हो, ब्राउज़र में हो, मैसेज में हो, व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, कहीं से भी हो, आपके फ़ोन में आप डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाला है। जो लोग सारी भाषा जानते हैं उनके लिए तो ये नहीं है। जो लोग कमज़ोर हैं मेरी तरह, मुझे भी सारी भाषा नहीं आती, मैं भी ट्रांसलेट कर करके सीखता हूँ। तो ये आपको काम आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। करके देखिए, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई आपको परेशानी है इस रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।